तो दोस्तों कैसे पता करें कि मॉडलिंग एजेंसी सेफ है कि नहीं? Hi friends, welcome back to my channel. I'm Praveen Bhat. मैं हूँ सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. तो दोस्तों मॉडलिंग एक्टिंग को लेके बहुत ये सवाल रहते हैं माइंड में कि कैसे पता चले कि ये मॉडलिंग एजेंसी जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हैं ये सेफ है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं निकलने वाली. तो इसको पकड़ने के लिए ना दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, गलती से इस चैनल पे आके रुक गए हैं, तो आज सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, और जाने से पहले बेल आइकन जरूर हिट कर लेना. तो दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको पता चल जाएगी कि मॉडलिंग एजेंसी फेक है, फ्रॉड है, या कोऑर्डिनेटर जिससे आप बात कर रहे हैं वो फ्रॉड है, वो है कि कोई भी जेन्युइन एजेंसी जो है आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगी काम करने के लिए. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एजेंसीज के मैसेजेस आएंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लोग आपको डीएम करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे कि हमारे पास काम है, हमारे पास एड है, आप जल्दी आ जाइए, हम आपको काम देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे. एक्चुअली मॉडलिंग एजेंसी का काम क्या होता है, वो आपको ऐड दिलाते हैं, कास्टिंग के लिए आपको हेल्प करते हैं, आगे आपको जो भी काम मिलता है मॉडलिंग एजेंसी का उसके अंदर कमीशन होता है, उसके अंदर उनकी अपनी फीस होती है. कोई भी बंदा फ्री में काम नहीं कर रहा, आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो एग्री टू दैट. और जो भी जेन्युइन एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, आपका प्रोफाइल लेती हैं, आगे वो भेजती हैं. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चलो आपको ऑडिशन पे बुलाते हैं, ऑडिशन के बाद लुक टेस्ट हो गया, एंड उसके बाद आपको जो है फाइनल शूट मिल जाता है. जो पेमेंट आपके हाथ में आ रही है उसके अंदर अपना एजेंसी वाले जो हैं वो ऑलरेडी अपना कट लेके चलेंगे, या आपको बता देंगे कि इसमें से इतना 10% 20% जो भी हमारी फीस है वो हम चार्ज करने वाले हैं. जो फ्रॉड लोग हैं वो आपको पहले बोलेंगे, अरे यार आज आपको काम मिलने वाला है, आप पैसे दे दीजिए, कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम पर फीस दे दीजिए, या हम आपको 15 दिन या 6 महीने प्रमोट करने वाले हैं, इसके पैसे दे दीजिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स में आप लिख लो, कहीं नोट करो ज़रूर, कि जो भी जेन्युइन एजेंसी है वो कभी पैसे नहीं मांगेगी, और जितने भी लोग पहले पैसे मांग रहे हैं आपको काम दिलाने के लारे लगा रहे हैं तो ये सारे फ्रॉड हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता करने के लिए कि एजेंसी सही है कि नहीं, आप थोड़ा सा गूगल करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए. गूगल पे भी मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, उस पर पहले भी वीडियो बनाया, कि जो भी चीज गूगल पे नजर आ रही है जरूरी नहीं है वो जेन्युइन है, बिकॉज वेबसाइट बनाना आज की डेट में कोई मुश्किल काम नहीं है. बहुत लोग हैं जो वेबसाइट बनाए बैठे हुए हैं, अपने आपको मॉडलिंग एजेंसी, मॉडल कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, और अलग अलग फोटोज भी उन्होंने लगाई, और कई बार हैरानगी की बात यह है, आप मानोगे नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बारी मेरे पास मॉडल जाए और बोलते हैं सर ये आपकी फोटो हमने यहाँ देखी है, ये दूसरी वेबसाइट पे लगी देखी है. तो मैंने कहा तो मेरी फोटो, कह रहे नहीं सर वो तो उस एजेंसी की, हमने वेबसाइट पे देखी है, फोटो लगी हुई है. तो जरूरी नहीं है कि जो कोई बंदा अपनी वेबसाइट पे फोटो दिखा रहा है वो उसी की है. तो प्रॉपर रिसर्च करो गूगल के बाद, आप प्रॉपर R&D करो, चेक करो अगर आप मीटिंग करने भी जा रहे हो कि उनका वो लेजिट काम है या नहीं. सपोजिंगली उन्होंने कोई फोटो लगाई हुई है तो उनके पास वो प्रूफ है कि वो उनकी है, या कुछ BTS है, या कुछ चीजें हैं उनके पास दिखाने के लिए कि वो उन्हीं का काम है. तो ये जरूर आप चेक करो, कोई एक्सपीरियंस मॉडल्स हैं आपके नोन में, कोई दोस्त का दोस्त निकलता है जो मॉडलिंग कर रहा है, उसके साथ थोड़ा कंसल्ट करो, एंड उसके बाद ही डिसीजन लो कि इस एजेंसी के पास आपने जाना है कि नहीं जाना है. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बंदा अगर कोऑर्डिनेटर, मॉडलिंग एजेंसी, या कोई भी कास्टिंग वाला आपको बोलता है कि कल आ जाओ मिलने के लिए, लेकिन एक काम करना, अकेले आना, किसी को लेके मत आना. तो आई एम श्योर आप बहुत समझदार हो कि आपको ऐसी जगहों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. और अगर आप में से किसी के साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, वुड लव टू रीड, बिकॉज ये मैं हैरान होता हूं कई बार मॉडल जाके बताते हैं कि सर हम कोई ऑडिशन के लिए हमें बुला रहा था, बट कहता है किसी को लेके मत आना, मैं अपने फ्रेंड को लेके जाना चाहती थी, या मैं अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाना चाहती थी, बट वो कहते हैं नहीं अकेले आइए. तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है पता करने के लिए कि जहां पे आप जाने वाले हैं ये लोग फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी जो जेन्युइन बंदा होगा, जेन्युइन एजेंसी होगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनफैक्ट हम फोटोशूट वगैरह करते हैं, एड कैंपेन करते हैं, कई बार हम कास्टिंग करते हैं जहां पे हम लोग मॉडल्स वगैरह को मिलते हैं, ऑडिशन लेते हैं, या एड में अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई पेरेंट या फ्रेंड या भाई बहन कोई साथ में आया होता है. ठीक है, शूट के टाइम पे वो शूट में ऑडिशन के बीच में नहीं बैठ सकते, लेकिन वो बाहर वेटिंग एरिया में जरूर बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं. सो जो भी अगर आपको अकेले बुलाने वाला है तो आपको पता आपने क्या करना है, ब्लॉक या जो भी आपका मन करे, राइट. और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग आपको इस लाइन में अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि यार हम एजेंसी हैं, हम आपको फ्री में काम देने वाले हैं, उससे पहले आप हमारे साथ फोटोशूट कर लो जो हम आपको फ्री में देने वाले हैं. लेकिन वो फोटोशूट में हम आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स वगैरह चाहते हैं जो एक्सट्रीमली बोल्ड हों,
या ये इम्पॉर्टेंट शूट है जिससे आपको ज़्यादा स्किन शो करना है, तो इन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं। कोई भी बंदा आपको, एजेंसी वाला, कोऑर्डिनेटर, फोटोग्राफर, ज़बरदस्ती आपको ये सब करने के लिए नहीं बोल सकता है। और अगर ऐसी कोई बातें कर रहा है तो आई एम श्योर यू नो, हमें इतने सारे, हम लोग एजुकेटेड हैं, समझदार हैं कि हमें इन लोगों से ऐसे बच के रहना है। सो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि जितनी अवेयरनेस फैल सके, हम लोग फैला सकें, आप मेरी मदद करो इसमें। हमारे वीडियोज वगैरह को आप आगे शेयर करें इंस्टाग्राम पे, अपनी स्टोरीज पे मुझे टैग करें, बिकॉज अभी भी ना मॉडलिंग और एक्टिंग को लेकर लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन इतना ब्रेन वॉश करने वाले लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे गलत रास्ता दिखाने वाले लोग बैठे हुए हैं। सो आई होप आपको मेरा कॉन्टेंट, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर सबके साथ शेयर करिए। एंड हमारी इंस्टाग्राम फैमिली ग्रो कर रही है, वी ऑलमोस्ट टचिंग 180K। ये रहा लिंक यहाँ पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम जरूर चेक करिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कॉमेंट लाइक करके बताइएगा, एंड आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वन। बाय बाय।